गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में मैथ सब्जेक्ट लेंगे, पेज नंबर 98। पहले हमने ये एक्टिविटी पढ़ी थी कि कितने टाइम कितना काम करने में कितने मिनट्स लगते हैं, आवर्स लगते हैं और डेज लगते हैं। ओके, अब हम आगे वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, पेज नंबर 98। ओके, देखो, क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच, ताली बजाओ जब आप कैच करो। ये गेम आप सबने खेली होगी। प्ले दिस गेम, थ्रो अ स्टोन इन टू द एयर, वो जो आपके हाथ में वो स्टोन है वो हवा में उड़ाओ, फिर क्लैप करो। क्लैप वंस बिफोर यू कैच इट, अब क्लैप करने जाओ उससे पहले, मतलब एक बार क्लैप करके पकड़ लो। नाउ ट्राई टू क्लैप टू टाइम्स बिफोर द कैच, वापस हवा में उछालो और दो क्लैप करने की ट्राई करो। ट्राई मोर क्लैप्स, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू क्लैप बिफोर यू कैच द स्टोन, चार पाँच बार क्लैप्स करो, कितने टाइम में आप कर सकते हो वो देखो, कितनी क्लैप्स आप बजा सकते हो। जब हवा में पत्थर जाता है तब आप कितनी क्लैप्स बजा सकते हो वो आप खेलो गेम। ओके, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है ता थई, डिफरेंट क्लैप्स, क्लैप्स में भी आवाज़ होती है। क्लैप टू टाइम्स, टू टाइम्स एंड से वन टू, दो बार क्लैप बजाओ और वन टू बोलो, कीप क्लैपिंग, वन टू वन टू वन टू, ताली बजाते रहो, वन टू वन टू वन टू, और से ता थई ता थई ता थई, और क्या बोलना है, ता थई ता थई ता थई। ऑल्सो स्टैम्प योर फिट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और पैर भी ऊपर नीचे करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ओके, से ता थई तत, ता थई तत, ता थई तत, क्या बोलना है करते करते, ता थई तत, ता थई तत, ता थई तत। कैन यू स्टैम्प योर फीट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये आपको साउंड करना है और पैर भी लाने हैं और क्लैप्स भी करने हैं। हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्पीक एंड स्टैम्प एट द सेम टाइम्स, आप में से कितने लोग ये बोल सकते हो और सेम टाइम में स्टैप कर सकते हो वो आपको देखना है। अब देखो नीचे, फाइंड आउट, ये गेम अच्छी है, एक बार घर पर आप खेलना। फाइंड आउट, हैव यू हर्ड पीपल प्लेइंग अ तबला और द ड्रम्स, क्या आपने कभी तबला और ड्रम्स जब बजाए, मतलब बजाते हुए किसी को देखा है और गौर किया है उसके साउंड पे। फाइंड आउट अ फ्यू डिफरेंट बीट्स दैट दे प्ले, आप देखना वो कौन से अलग अलग बीट्स बजाते हैं। ऑल्सो आस्क वॉट बोल्स दे से फॉर द बीट्स दे प्ले, और उनको पूछना कि आप जब बजाते हो तब कौन से बोल्स बोलते हो, क्या आपके घर के आसपास कोई तबला और ड्रम्स बजाते हो, उनको आपको पूछना है। ओके, अब देखो बाजू वाले पेज पे, देखो 99 पेज पे, हाउ ओल्ड वी आर वी, हम कितने साल के हैं वो हमें देखना है। यहाँ पे आपको चार्ट दिया हुआ है, वो चार्ट हम पढ़ते हैं। ओके, माई एज टूडे, यहाँ पे एक लड़की है, उसकी एज 7-8 साल की लड़की होगी, उसकी एज 7 or 8 ईयर्स होगी। अब क्या बोला है इसमें कि माय मदर एज टुडे, तो मेरी मम्मी की एज कितनी होगी, जब मैं इतनी होंगी तो मेरी मम्मी की एज कितनी होगी। फिर नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माय मदर मदर एज टुडे, टुडे मतलब कि मेरी मम्मी की एज कितनी होगी। माय मदर्स एज व्हेन आई वाज बॉर्न, जब मेरा बॉर्न हुआ, मेरा बॉर्न हुआ तब मेरी मम्मी की एज कितनी होगी। मदर्स मदर एज Where I was born, मतलब कि मेरी मम्मी की एज तब कितनी होगी जब मैं बॉर्न हुई। माई मदर्स मदर एज वेन माई मदर वॉज बॉर्न, मेरी मम्मी की एज जब वेर माई मदर वॉज बॉर्न, जब मेरी मॉम बॉर्न हुई। ओके, ये आपको थोड़ा चार्ट दिया हुआ है, बीच में दिया हुआ है कि हाउ ओल्ड आर वी, मतलब इसके कहने का मतलब है कि आप जैसे जैसे बड़े हो, जितना टाइम कितने टाइम पे आपकी एज कितनी कितनी होती जाती है जब जब आप बड़े होते हो। तो चैप्टर का नाम ही वही है कि टाइम गोज ऑन, कि आपकी एज टाइम्स के हिसाब से बढ़ती है। ओके, अब नीचे देखो पजल दिया हुआ है, कुछ पजल है, तो हम थोड़ा समझ लेते हैं ये पजल को कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। इरफान्स मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम, अब देखो एक इरफान है, उसकी मम्मी की एज कितनी है, ट्वाइस है। तो हम ये सॉल्व करते हैं कि भाई चलो लेट, फिर पहले ये पढ़ लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। शी इज़ ऑल्सो 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम, वो
इरफान की मदर उनसे 20 साल बड़ी है। गैस द एज ऑफ इरफान एंड हिज मदर। हमें इरफान की एज गैस करनी है और उसकी मदर की एज गैस करनी है। ओके अब देखो, हमें इरफान की एज तो यहाँ पे दी नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे कि सपोज एक्स ले लेंगे, एक्स जो हमें इरफान की एज दी ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे इरफान को इरफान की एज में एक्स रख देते हैं। ओके एक डिजिट रख देते हैं, लेट इरफान एज बी एक्स। हमें पता नहीं है तो हमने एक्स रख दिया है। इरफान की एज सपोज एक्स है, इरफान मदर्स एज। अब क्या है कि इरफान की मदर की एज क्या है, इरफान से 20 मतलब 20 ईयर्स बड़ी है वो, तो हम क्या करेंगे 2 × x = 2x। हम क्या करेंगे 2 को x से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब 2, तो मतलब 20 साल वो बड़ी है, तो 2x। हम क्या करेंगे 2 × x = कितना होगा 2x। अब देखो, अब ये जो इक्वेशन है हमें इसको इक्वेशन थ्रू लिखना है, मतलब कि कैसे लिखेंगे कि x + 20 = 2x। तो हमने ये कैसे लिखा कि भाई x है वो किसकी एज है, इरफान की है, प्लस 20 मतलब कि उसकी मम्मी की एज उससे 20 साल बड़ी है, तो = 2x। तो हमने ये देख लिया कि उसकी मम्मी की एज, यहाँ पे ऊपर सॉल्व किया इक्वेशन तो कितनी हुई 2x, उसकी मम्मी की एज 2x है। ओके अब क्या है कि ये हम पिछले इक्वेशन में हमने पढ़ा होगा कि x की वैल्यू चेंज होती है, मतलब पोजिशन आगे प्लस का माइनस साइन, जब कोई साइन ही नहीं होता तो हम माइनस साइन गिनते हैं। ओके तो x + 20 = 2x, कोई साइन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, x की पोजीशन अगर साइन होता है तो पॉजिटिव होता है, अगर माइनस होता है तो नेगेटिव होता है, लेकिन बिल्कुल साइन नहीं होती है x के आगे, कोई साइन नहीं होती ना माइनस की ना प्लस की, तो हम उसको पॉजिटिव ही रखते हैं। ओके तो हम x की वैल्यू चेंज मतलब पोजीशन चेंज करेंगे, x एक पॉजिटिव नंबर है। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे हमें इक्वेशन तो मिल गया कि x + 20 = 2x, तो अब हम क्या करेंगे 20 = 2x - x, मतलब कि सपोज ये 20x, हमें तो यहाँ पे उसकी वैल्यू मिल गई है x + 20 = 20 2x। अब हम क्या करेंगे, ये जो x है उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, इसको यहाँ ला देंगे, x की पोजीशन हम चेंज कर देंगे, 20 = 2x, यहाँ पे कोई साइन नहीं था मतलब पॉजिटिव साइन था मतलब प्लस साइन था, तो हम यहाँ उसको लाएंगे तो क्या करेंगे आगे माइनस कर देंगे, तो 2x - x, तो यहाँ पे 20 = 2x, 2x - x = x, 2x - x = x, तो 20 = x। तो अब देखो 2x = 2 × 20 = 40। अब हम क्या करेंगे कि 2 को x की जो वैल्यू थी, x की क्या वैल्यू थी 2 थी, तो 2 × 20 = 40, 2x का x यहाँ पे रखेंगे और 2 को आगे ला देंगे आगे की पोजीशन में ला देंगे, तो 2 × 20 = 40, तो उसकी मदर की एज क्या होगी 40 हो गई, क्या हो गई 40 हो गई। ओके हाउ मैनी फुल मून्स हैव पास्ड सिंस वेर बॉर्न, ये तो कि आप कितने, आप हाउ मैनी फुल मून्स वे हैव पास्ड सिंस यू हैव, कितने मून्स चले गए जब आप बॉर्न हुए। ओके ये वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं, आगे का पोर्शन अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे।